हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि दुख जो है, तो दुख का पहाड़ है, बहुत बड़ा दुख है, और उसके नीचे जिद का इम्तिहान कैसा हो सकता है, उसके बारे में। हमारे जिंदगी में ऐसा होता है काफ़ी बार कि ऐसी घटनाएं हो जाती है कि जिसमें दुख होता है। किसी की मृत्यु होती है घर में और काफ़ी सारा दुख होता है, और दुख होने के बाद में लोग उसमें टूट जाते हैं। अभी अभी न्यूज़ जो हमें सुनाई मिली, वो बम्बई के ढाणु जो इलाका है, इसमें एक विनोद नाम के गृहस्थ थे, उनके 5 बच्चे, पत्नी, टीबी की बीमारी, और उसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। घर में उनका शव पड़ा हुआ है, और पूजा और दीपिका नाम की जो उनकी लड़कियां हैं, उनका 12th का एग्ज़ाम था, आखिरी का पेपर। घर में उनका शव पड़ा हुआ है और ये पढ़ाई कर रही है एग्ज़ाम की। दूसरे दिन अग्नि संस्कार है। उन्होंने पढ़ाई पूरी किया, इतना दुख है, मगर सामने उनको दिख रहा है कि नहीं, अपना पूरा साल नहीं तो वेस्ट जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा साल। तो बड़ा दिल करके उन्होंने पढ़ा। सुबह उनके पिता का अग्नि संस्कार, अंत्य संस्कार करने के लिए उनका शव जब लेके गए, तो उनका अंत्य दर्शन लेके दोनों बहनें अपने एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम हॉल की तरफ चले गए। हम काफ़ी बार ऐसा देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बात के ऊपर दुखी हो जाते हैं, और दुखी होने के बाद में कामकाज बंद कर डालते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा, मतलब ऐसा कोई तो भी इंसिडेंट हो जाता है, बड़ा हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है करीब के व्यक्ति की, और फिर बहुत बड़ा दुख हो जाता है, और फिर उसमें उनको समझता नहीं भी क्या करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समाज में तो कि घर में कोई बड़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो 13 डेज, 13वीं होने तक कामकाज को जाते नहीं, घर में बैठे रहते हैं। इसमें नुकसान किसका है? नहीं, जो होना नहीं था वो हो गया, मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, हो गई, मगर भाई घर में बैठ के क्या करेंगे? सामान्य लोग जो है, वो छोटी छोटी बात के ऊपर या बड़ी बात के ऊपर, जो भी हो, भावना तिरेक करके, भावना विवश होके, अपना कामकाज बंद करके रोते बैठे हैं। और जो असामान्य व्यक्ति है, वो जो भी है उसका स्वीकार कर लेते हैं, जो भी घटना हुआ हुई उसका स्वीकार करके अपना काम जो है वो आगे बढ़ाते रहते हैं। उसमें आप भी असामान्य बन सकते हैं। आपको बताऊंगा कि इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई, तो राजीव गांधी जी ने, उनकी चिता उधर जल रही है और इधर उन्होंने पंतप्रधान पद की शपथ ली है। काफी बार ऐसा हो जाता है कि सामने इतना बड़ा हादसा दिखाई देता है, और आपको अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के उसका सामना करना पड़ता है, और वहीं एक्चुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की निशानी है। मैं मेरा एग्जाम्पल शेयर करूँ तो मेरे पिता का देहांत हुआ पहले दिन शाम को, दूसरे दिन हमने अग्नि संस्कार किया सुबह 11 बजे। हम जब घर पे आए, स्नान वगैरह करने के बाद में मुझे पता चला कि नीचे से, हमारा हॉस्पिटल नीचे ही है, नीचे से बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ आ रही, चिल्ला रहे लोग। मैं पूछा रिसेप्शनिस्ट को हुआ क्या, ने बोले पेशेंट काफ़ी लोग जमा हुए और बोलते कि हमको तपासो, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने उनको बताया कि नहीं भाई, डॉक्टर साहब के पिताजी की मृत्यु हुई है, अभी अग्नि संस्कार करके अभी आए हुए, अभी नहीं आएंगे। तो बोले नहीं, हमको तो तपासो, हमारे तो तबीयत खराब है, और हमारे ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप तपास। मैंने भी सोचा कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, नहीं होना चाहिए था, मेरे पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, नहीं होना चाहिए था, सब दुख में थे, मगर अभी जो आए हुए पेशेंट है उनको मैं ना क्यों बोलूँ? उनकी जो बीमारी है उसका मैं इलाज कर सकता हूँ, उनको मैं जीवन दे सकता हूँ। तो मैंने भी पत्थर रख के नीचे आए और पूरे दिन भर पेशेंट निकाले। हम क्या है कि हम इमोशंस ऐसे जो हो गए, इमोशंस से हम ड्रेन हो जाते हैं, हमारी ताकत चली जाती है इमोशंस आगे ज़्यादा, तो इमोशंस से ड्रेन होने के बाद में हम कामकाज के रहते नहीं हैं। तो इमोशन आने के बावजूद भी जो हमारी दिमाग में संभावना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मुझे करने का है, जो मेरा करने का ध्येय है, जो मेरा गोल है, उसके प्रति मैंने उसको सामने, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने मेरा काम जो है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, और वही यदि आप करते हैं तो असामान्य बन सकते हैं।
मेरा कहने का मतलब यह है कि दुख में ज़्यादा दुख नहीं और सुख में सुख भी नहीं। लोग तो ऐसा है कि सुखी होने के बाद में 8-8, 10-10 दिन उसका सेलिब्रेशन करते रहते और कामकाज बंद कर देते। दुखी हो गए तो दुख जो है उसमें मातम बनाते रहते और 13-13 दिन लोग कामकाज बंद करते हैं। तो एक बार आज ठहरा लो, सुख है तो कुछ दिन तक उसका भी ठहरा लो, कितने दिन तक सेलिब्रेशन करना, दुख है तो कब तक दुखी रहना है वो ठहरा लो। उसमें ही आप जिद से, मतलब कितना भी दुख हुआ, दुख का पहाड़ आपके ऊपर आ गया, तभी उसके नीचे जिद यदि आपकी रही, तो जिद की मतलब जिद का सामना करके आप जीवन का जो इम्तिहान है उसको सामने जा सकते हैं। आपको ऐसे आपके परिचित काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको मतलब जो ऐसा करते हो कि कुछ हो गया तो कामकाज बंद कर देना, इमोशन से कामकाज बंद कर देना, इमोशन से दुखी हो के डिप्रेस होना, जरूर उनको वीडियो ये शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का चित्र आता है, बेल का आइकॉन आता है, उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे जो वीडियो है वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जरूर उसके ऊपर घंटी के ऊपर क्लिक करो, लोगों को शेयर करो। हमारा जो मिशन है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।